जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से एक और नई अपडेट आई है। परिवार पहचान पत्र यानी पीपी की कड़ी शर्तें लोगों के लिए मुसीबत बनकर आए हैं। दावा किया जा रहा है कि पीपीपी में दो बार से अधिक संशोधन नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पेंशनों के लिए पीपीपी नई टेंशन दे गई है। कुछ माह पहले तक पेंशन उनके खाते में आ रही थी। फिलहाल कुछ पार्षदों ने शहरी क्षेत्र में भी 22 वार्डों से ये समस्या सामने आने की शिकायत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जल्द ही ये प्रकरण के उपचार अधिकारियों से मिलकर समस्या के निराकरण की मांग करेंगे। वार्ड 14 से पारदर्श राधेश्याम डल ने 4 दिन के अंदर सभी पारदर्श के हस्ताक्षर वाले पत्र उपचार अधिकारियों को सौंपने का फैसला भी लिया है। गांधीग्राम निवासी शीलावंती को भी विधवा पेंशन मिलती थी, करीब 3-4 माह से खाते में नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब संशोधन के प्रयास किए तो त्रुटियों को दूर करने के लिए नियम आड़े सामने आए हैं। अब पारदर्श के पास लोग शिकायत लेकर पहुंच तो रहे हैं, पारदर्श ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि सरकार से मांग की है कि पीपीपी की जो भी खामियां हैं उन्हें दूर किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, त्रुटियां ठीक नहीं हुई हैं तो इसलिए पेंशन की टेंशन खड़ी हो गई है। इनका दर्द यह है कि पति नहीं है और कुछ दिन पहले जवान बेटे की भी मौत हो चुकी है। अधिकारी इस दर्द को समझने के बजाय सच मांग रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ। हमारे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।